Shut. Oh yeah, shut. दोस्तों काफ़ी प्रेशर आया, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि नौहेरा शेख की चार्जशीट फाइल हो गई है, हो गई है। हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा बात कर ले, बता दें कि 22 तारीख को जो है ईओडब्ल्यू ने है चार्जशीट फाइल की है, 2600 पेज की चार्जशीट है, सब बताया जा रहा है। 2600 पेज की चार्जशीट फाइल की गई, थोड़े बहुत पेपर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसमें से 18 करोड़ रुपए के जो है कंप्लेंट आए हुए हैं और तकरीबन 250 लोगों ने कंप्लेंट किया है। ये ऐसा चार्जशीट में ये है, क्योंकि चार्जशीट डायरेक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस होती है, तो और ईओडब्ल्यू में बात नहीं हो पाई इसलिए पूरा डिटेल नहीं मिल पाया, ऐसे ही वर्ड नहीं मिला। ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि लास्ट टाइम के 18 करोड़ की टोटल है और 250 लोगों ने कंप्लेंट किया है। तो ये थे बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे सेशन कोर्ट में। अब हम आपको बता दें 4 फरवरी जज साहब जो है लास्ट टाइम जो उन्होंने बेल आर्ग्यूमेंट नहीं सुना था, उन्होंने कहा था कि 7 में करेंगे, क्योंकि वो कहीं छुट्टी पे जा रहे थे या ट्रेनिंग पे जा रहे थे बॉम्बे सेशन जज। तो उन्होंने 4 फरवरी को वो बेल पे जो है बेल आर्ग्यूमेंट होगी। एडवोकेट संदीप कार्निक साहब हैं ईओडब्ल्यू के, बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं मुंबई में, तो वो इस पर आर्ग्यू करेंगे 4 तारीख को। अब देखना है कि वो किस चीज़ से आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। पुराना जो एक बेल एप्लीकेशन चला आ रहा है वो कि चार्जशीट के फाइल बात का जो एक मौका होता है वो करते हैं या दोनों को क्लब करते हैं, ये तो कल संदीप सर से बात होगी या परसों जब भी बात होगी, अगर वो बताना चाहे तो हम उसे बोल लें। तो बॉम्बे की हम आपको डिटेल बता दें कि बॉम्बे की चार्जशीट फाइल हो चुकी है और 2600 पेज की चार्जशीट है और 18 करोड़ की टोटल कंप्लेंट आई हुई है, 250 कंप्लेंट जो है 250 लोगों ने कंप्लेंट किया है। और पुलिस का मानना था, पहले भी मानना था, स्टार्ट से उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ की पोंजी स्कीम है, ये स्कीम है। तो वो तो जैसे चार्जशीट आएगी, पुलिस ने जो चार्ज लगाई है अभी इनके एडवोकेट इसको क्रॉस करेंगे और ये सब चलते रहेगा, बेल की बात होगी, ये बोलेंगे 500 करोड़ का है, वो बोलेंगे, इनके एडवोकेट बोलेंगे नहीं हमारे पे झूठा आरोप है। तो बहरहाल जितनी अभी तक फिलहाल 250 की कंप्लेंट आई, चार्जशीट जो है डायरेक्ट कोर्ट में जमा होती है, वो अभी तक ना ही नौहेरा शेख के एडवोकेट्स के पास आई हुई है, ना ही हमें कुछ पता चला। बस थोड़ा सा एक लमसम इतना पड़ा है कि 2600 पेज की है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 2600 पेज की हो या ना हो। बहरहाल बॉम्बे का हो गया, हम आज की डिटेल बताते हैं चित्तौर कोर्ट की। चित्तौर कोर्ट में आज नौहेरा शेख को पुलिस कस्टडी दी गई। थोड़ा कन्फ्यूजन है वहाँ का, बहुत दूर है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, मगर फिर भी हम आपको रफली बता देते हैं। मतलब एग्जैक्ट यह है कि आज 4 दिन के लिए नौहेरा शेख को नई केस में दो केस में नई कस्टडी दी गई, 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। हम आपको बता दें नौहेरा शेख पे चित्तौर में एक ही पुलिस स्टेशन के 3 केस हुए थे। पहला केस जो उन्होंने बॉम्बे से ले जाके जाते वक्त एक केस में उनको वहाँ पर ले जाके जेसी दिया, फिर पीसी दिया, फिर जेसी दिया, फिर वहाँ के पुलिस ने, वही पुलिस स्टेशन ने 2 केस और आज बताए और नौहेरा शेख की 4 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। बहरहाल वहाँ का और बेल आर्ग्यूमेंट, हाँ आज वहाँ पर त्रिपुर में जो पहले बॉम्बे से लेके गए थे, हम समझ रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, बताने में भी नहीं जम रहा है, आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए। आज थोड़ा बेल एप्लीकेशन पर बात हुई है, शायद कल जज साहब उसके ऊपर ऑर्डर दे। कौन से बेल की? जो पहले स्टार्ट में केस में लिखे गए, बाकी 2 दिन की, 2 की पीसी चल रही है, 4 दिन के लिए अभी पीसी चलेगी आगे। दूसरा ऐसा भी पता चला है कि हैदराबाद का जो, हैदराबाद से ले जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी चित्तूर कोर्ट में, ऐसा इट्स नॉट कन्फर्म, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि पीटी वारंट वो कैंसिल हुआ है, जज साहब ने वो पीटी वारंट कैंसिल किया है। तो चित्तौर कोर्ट का हम आपको बता दें कि 4 दिन की आज पीसी मिली है नौहेरा शेख को, कल पुलिस जो है जेल से नौहेरा शेख को कस्टडी मिलेगी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वहाँ की जो है 4 दिन के लिए 2 केस में पीसी लेगी। बॉम्बे हो गया, ये हो गया। बुल्दाना में जो एंटीसेप्टिक बेल थी उसकी तारीख पड़ी है 31 जनवरी, ठीक है। मालेगांव की जो आज बेल आर्ग्यूमेंट हुआ उसमें 2 फरवरी का जो है डेट पड़ी है, 2 फरवरी, और उनके एडवोकेट का नाम है अभय सिंह भोसले।
हम आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है, थोड़ा सा अनकन्फर्म रिपोर्ट रहती है क्योंकि कोर्ट में तो मौजूद नहीं थे। मालेगांव के जो आयो थे उन्होंने जज साहब को कहा कि उनको घाना जाना है, सोने की जो वहाँ से जो भी ट्रेडिंग होता था उसके लिए उनको घाना जाने की परमिशन दी जाए। तो खैर बहरहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जज साहब थोड़ा मुस्करा दिए और मतलब शायद उनको परमिशन नहीं मिली होगी, क्योंकि शायद परमिशन नहीं मिली ऐसा बताया जा रहा है। घाना जाने की इतनी तो बात कंफर्म है कि उन्होंने जज को बोला कि मुझे घाना जाना है जहाँ से सोना आता है। मालेगांव का भी हो गया, इसका भी हो रहा है। थाने में आपको बता दें 25 तारीख को जो है, हाँ थाने में जो डिफ़ॉल्ट बेल, लोग 60 डेज़ की जो बेल बोल रहे थे उसको डिफ़ॉल्ट बेल के लिए इन्होंने चांस मारा था, जो हम बार बार बोलते हैं चांस मारा, तो वो तो सेकेंड डे रिजेक्ट हो गई थी। बॉम्बे कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी थी और थाना कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी थी। जब हमने पर्सनली एडवोकेट से पूछा कि भाई आप ये बेल क्यों कैंसिल करा रहे हो, मतलब ये बेल 60 डेज का क्यों डाले, तो उन्होंने कहा ये हम आगे के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं और आगे इससे शायद फ़ायदा हो सकता है। खैर ठीक है, उन्होंने कहा जब जहाँ चांस मिलेगा हम मारेंगे। थाने कोर्ट का जो है वो बेल तो रिजेक्ट हो गई, मगर जो बेल आर्ग्यूमेंट जो पहले से चले हुए आ रहा है, जो हमारे एडवोकेट विनीत डांडा जी ने डाली थी, तो उसके ऊपर बेल आर्ग्यूमेंट होना था, वो 25 तारीख को होगा। और केरला में जो हाई कोर्ट ने इनको बेल दी थी और कुछ कंडीशन डाली थी कि ये तारीख को 8 दिन के अंदर इनको आना है, तो वहाँ पर इनके एडवोकेट्स ने बताया है कि वहाँ पर भी उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है कि ये चित्तौर कोर्ट में है, इनका केरला आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में है। तो वो कोर्ट ने भी वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दे दिए ताकि वहाँ पर भी बेल रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि अगर जज साहब ने कंडीशन डाले और वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो बेल रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसा इनके इससे पता चला है कि इन्होंने केरला कोर्ट में भी पहले बता दिया है कि भाई इनको कस्टडी मिल गई है इसलिए केरला नहीं आ सकते, और जब ये कस्टडी वहाँ से बॉम्बे लाएंगी तो इनको केरला वहाँ पर भेजा जाएगा। तो बहरहाल बहुत हो गया। पूना की डेट नहीं मिली, लास्ट टाइम जो हुआ था डेट के लिए रखा गया था, मगर वो पूना की भी डेट नहीं मिल चुकी है, नहीं मिली अभी तक। तो यही है, एक बार वापस रिपीट कर दें आपको, बॉम्बे 4 फरवरी को जो है बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, मालेगांव में 2 फरवरी को ऑर्डर रखा गया है, बुल्दाना में 31 जनवरी को एबीए का है, चित्तूर में जो है 4 दिन की पुलिस कस्टडी गई है 2 केस में, और एक को उसकी बिल ऐसा बताया आर्ग्यूमेंट भी उसका शायद ऑर्डर कल आवे, और हैदराबाद पीटी वारंट जो है जो हैदराबाद पुलिस ने कस्टडी किया तो वो शायद रिजेक्ट हो गया है, और थाने है पुणे की ये एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब कम इन्फॉर्मेशन है। बाकी चार्जशीट के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हमारी भी चालू है, क्या है क्या नहीं है, और आगे हम चाहेंगे कि दूसरे लोग से जो जैसे अथॉरिटीज हैं उनसे इंटरव्यू ले, इसके बारे में बात करें या एडवोकेट उनसे बात करें, तो हम उसको बराबर बताएंगे कि क्या, क्योंकि चार्जशीट किसी के भी हाथ में नहीं है, सिर्फ पुलिस ही बता सकती है, और उन्होंने कोर्ट में डाला है, वो कोर्ट इनके वकील अर्जी डाल के वो चार्जशीट निकालेंगे, या नौहरा शेख को सामने चार्जशीट प्रेजेंट की जाएगी या उनके वकील ये चार्जशीट निकाल देंगे। 2600 पेज की है, शायद चार्जशीट निकालने में टाइम लगेगा। तो बहरहाल ये तक अब तक का जो थोड़ा सा, बहुत पब्लिक फ़ोन कर रहे थे कि इसमें ये आया इसमें आया ऐसा आ गया, 3000 पेज की चार्जशीट है ऐसा है वैसा है, तो ये थोड़ा सा एक हमने पब्लिक के लिए डाला है। और बहुत सारी बातें हो रही है बीच में इंटरनेट पे, कोई किसके पास जा रहा है, कोई किसके पास जा रहा है, ये लोग इधर जा रहे हैं वो लोग उधर जा रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स रहेंगी वही हम आपको बताते रहेंगे। और बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, तो भाई देखिए आप सब चैनल्स देख रहे हो, एक अपोजिट वाले के भी देख रहे हो और एक यानी इनके साथ वाले का भी, यानी सपोर्टिव का भी देख रहे हो, अपोजिट का भी देख रहे हैं। आपका दिल जो बोले आप वो करो, ना ही किसी से पूछो, ना ही हमसे पूछो, हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे जो हम दिखा रहे हैं, जो दूसरे लोग दिखा रहे हैं अपोजिट वाले। हम ये नहीं कह रहे कि खाली आप गली न्यूज़ देखो, आप जो अपोजिट लोग दिखा रहे हैं जो बातें बता रहे हैं उसको भी आप देख सकते हो, डिसीजन आप करो, डिसीजन जो भी लेना है वो आप लो, ना मेरी एडवाइस पे लो ना किसी दूसरे की एडवाइस पे। तो बहरहाल ये था इतना, तो ऐसा लगता है जनवरी तक कहीं पे भी, जनवरी एंड तक भी नौहरा शेख को कहीं पे भी कोई रियायत नहीं, फरवरी में शायद क्योंकि बॉम्बे की चार्जशीट गिरी है और एक दो ऑर्डर है, तो देखते हैं फरवरी नौहरा शेख और उनके इन्वेस्टर्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो आगे नहीं आए उनके लिए कैसा रहे?